दोनों गवर्नमेंट बीजेपी सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है। खबरों के लिए मेवात टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। राजस्थान में पैरा टीचर्स का धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार सातवें दिन भी जारी रहा। पूरे राजस्थान में पैरा टीचर्स अपनी मांगों को लेकर सरकार से टकराने को तैयार हैं। जिला अलवर मुख्यालय पर भी जोर शोर से धरना जारी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार ने वादा किया था नियमित करने का, लेकिन वो आज तक उस वादे पर खरी नहीं उतर रही है और हमारा शोषण लगातार जारी है। हम 15 वर्षों से इस पद पर कार्यरत हैं, लेकिन दोनों गवर्नमेंट बीजेपी सरकार ने हमारे साथ छलावा किया है। राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में हमसे एक वादा किया था कि हमारी सरकार पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम आप लोगों को नियमित करेंगे। 22/7/2019 से हमारा ये धरना इसी उपलक्ष्य में चल रहा है कि सरकार ने बजट खाली दे दिया, बजट में हमें कुछ नहीं दिया है। पैरा टीचर्स की मांग है कि उनको सरकार अपने वायदे अनुसार नियमित करे, साथ ही जब तक परमानेंट करने में दिक्कत है तब तक उनका मानदेय कम से कम 25,000 किया जाए। हमारी मांगे जो नहीं मानती है तब तक हमारा जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चलता रहेगा और 29 जुलाई को जो है प्रदेश भर के जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है वहाँ 33 जिलों के समस्त मदरसा पैरा टीचर एकत्रित होकर कूच करेंगे, शिक्षा संकुल में धरना देंगे, मदरसा का बोर्ड का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। न्यूनतम आय से भी कम सैलरी ले रहे पैरा टीचर्स के लिए घर तो दूर, अपना पेट पालना भी मुश्किल होता है। अक्टूबर 2018 में एक पैरा टीचर की खुदकुशी ने राजस्थान को दुखों के सागर में डुबो दिया था, लेकिन सरकार फिर भी सोती रही और अब भी सो रही है। ये मांग करते हैं और आने वाले समय में हम गवर्नमेंट को चेताते भी हैं कि मदरसा पैरा टीचर्स को बहुत जल्दी नियमित करें, अन्यथा उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। टीचर्स ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर उन्हें और नजरअंदाज किया जाएगा तो धरना प्रदर्शन उग्र होता चला जाएगा। अलवर से ताहिर खान के साथ मेवात टाइम्स ब्यूरो। नहीं चलेगी।